हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सी एच इन माय पाठक एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का द न्यू चैप्टर एडेड बाय आईसीएआई, डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड सम बेसिक चीजें, हम इसके बारे में जान लेते हैं। सर, नेशनल इनकम ये चीज होती क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सर, जैसे ये आपकी, मान लीजिए फैमिली आपका घर है, आपके घर में आपके फादर है, आपके मदर है, आप खुद हो, सन डॉटर जो भी है, तो फादर की कुछ इनकम रहेंगी मान लीजिए 20 लाख पर एनम, ओके। मम्मी की कुछ इनकम रहेंगी मान लीजिए 20 लाख पर एनम सेम, एंड आप लोग फिलहाल के लिए कुछ नहीं कमा रहे हो, ठीक है, यू आर स्टूडेंट। तो सर, जब हम इंडिविजुअली किसी इनकम के बारे में बात करते हैं तो उसकी खुद की इनकम हो गई, खर्चे करने वाली इनकम हो गई। लेकिन अगर कोई पूछता इस घर की इनकम कितनी, तो आप क्या करोगे, सीधा 20 प्लस 20 40 लाख रुपए ऐड कर दोगे। तो आप बोलोगे इस घर की सालाना इनकम है सर 40 लाख पर एनम। नाउ व्हाट हैपेंस गाइस, दिस हैपेंस द सेम विद द नेशन। अब यहाँ पे तो आपकी मम्मी बता देगी आपकी उनकी इनकम कितनी है, फादर विल टेल व्हाट इज इनकम, बट व्हाट अबाउट नेशन, आपको क्या पता है, आपको पता भी नहीं होता आपके साइड वाले घर के अंकल कितना पैसा कमाते हैं। पीपल हेजिटेट टू टेल देयर इनकम, हाउ द हेल वी विल एस्टिमेट एक देश कितना अमीर है कितना गरीब है, ओके। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्लैक मनी, लोग काला पैसा कमाते हैं वो नहीं बताते। तो देयर आर मेनी 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 वेज, जस्ट हम नेशनल इनकम कैसे निकाल सकते किसी देश की, जाके सीधा पूछ लीजिए लोगों को, हे भाई तेरा इनकम कितना है, लेकिन लोग बताते नहीं सर, कोई बताता नहीं। और इसीलिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम देश की इनकम नहीं निकाल सकते। तो देश की इनकम निकालने के लिए एक आसान तरीका बताया गया, किसी भी इकोनॉमी में हम उतने ही गुड्स और उतनी ही सर्विसेज बनाएंगे, जैसे कुर्सियां हो गई, आपके पेन पेंसिल, जो चीज आप बोलो, कोई भी गुड्स बोलो, आप सीए बन रहे हो, आप ऑडिट करने वाले हो, सर्विसेज, तो जितने भी गुड्स जितने भी सर्विसेज इस देश में बनेगी, हमेशा याद रखना ये हमेशा बनेगी एज पर डिमांड। मतलब क्या सर, डिमांड ही नहीं है तो कोई कोई गुड्स गुड्स क्यों बनाएगा, कोई सर्विसेज क्यों बनाएगा। तो यार ये आदमी बता नहीं रहा इसके पास इनकम कितना है, इसके पास पैसा कितना आता है बता नहीं रहा। तो सरकार ने बोला, इकोनॉमिस्ट ने बोला, ठीक है तू मत बता, लेकिन जो तू खर्चा करेगा ना ऑन गुड्स ऑन सर्विसेज, हम इसको तो पकड़ सकते हैं, ये तो हमको मिल जाता है मार्केट में कितने गुड्स बने कितने सर्विसेज बने। आज जीएसटी है, कौन ने कितने सारे लेजिस्लेशन है जो आपको बताते हैं कि आपका प्रोडक्शन आपको डिस्क्लोज करना है सर। तो तू जो गुड्स पे सर्विसेज पे एक्सपेंस करेगा ना, वो तू नहीं छुपा सकता, वो तो सबको दिखेगा सर। तो इसी एक्सपेंस को ट्रैक करके हम बोलेंगे ले ये तेरी बन गई इनकम। क्या बात करते हो सर, हाँ मतलब इसकी नहीं देश की। तो देश में जितने भी गुड्स बनेंगे जितने भी सर्विसेज बनेंगे ना सर, इनको अगर आप इनके मार्केट प्राइजेस से मल्टीप्लाई कर दोगे, मार्केट प्राइस क्यों, अरे अगर कुर्सी 100 की बनी है और 200 में बेचा जाता है तो बाय डिफॉल्ट ये आदमी 200 में खरीदेगा उसको, तो मेरे को इसकी इनकम, मेरे को इससे पूरे देश की इनकम निकालनी, तो मैं मार्केट प्राइस लूंगा सर। तो जितने भी गुड्स जितने भी सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाते हैं उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, मान लेंगे देश की इनकम बन गई। क्या बात करते हो सर, जी बिल्कुल ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हमें कोई लेना देना नहीं है कि भारत की इनकम कितनी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है भारत अमीर है गरीब है, मुझे उससे लेना देना नहीं है सर। इस चैप्टर में मैं नहीं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान आज क्यों गरीब है, मैं इस चैप्टर में बात करने वाला हूँ नेशनल इनकम को गिनते कैसे है, डिटरमाइन कैसे करते। तो शुरू करते हैं इसके साथ सर, सबसे पहले नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है ये लाया गया है बाय साइमन कज़नेस एंड रिचर्ड स्टोन, दोनों नोबेल प्राइज विनर्स थे। अपने लिए रेलेवेंट ये सब नहीं, अपने लिए रेलेवेंट है मार्क्स, एमसीक्यू में आ गया तो अपने को आइडेंटिफाई करता आना चाहिए सर, आइडेंटिफाई करता आना चाहिए, दगड़ स्टोन समझ रहे हो, काजू कजनेट्स, अपने को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए सर। आगे चलेंगे, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री मतलब क्या सर, द टोटल इनकम ऑफ इनकम्स अर्न बाय द सिटीजंस ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। तो किसी भी आर्थिक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उस देश के सारे नागरिकों ने कितनी इनकम कमाई, दैट उसको एग्रीगेट कर देंगे तो बन जाएगी सर नेशनल इनकम। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इकट्ठा कौन करेगा सर, क्या नरेंद्र मोदी जी घर घर जाके पूछेंगे बताओ भाई कितना खर्चा करता है गुड्स पे, बताओ भाई जिंदाल इस साल कितना अपने स्टील प्रोड्यूस किया, नहीं यार ये काम नेशनल लेवल पे एट द सेंटर लेवल है विद द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर काम करती है, एंड एट द स्टेट लेवल इट इज विद द स्टेट डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अपने लिए सिर्फ एमसीक्यू के लिए रेलेवेंट है, ये बिल्कुल रेलेवेंट नहीं फॉर एमसीक्यू, क्यों इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम एस्टिमेट, क्या जरूरी है, सरकार को मदद हो जाती है पॉलिसी बनाने को, ये वो सब सारी चीजें पढ़ लेना, टाइम पास है।
असली बात तो असली चीजें याद से बनना शुरू करें। देखिए कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं, देश की इनकम मुझे गिननी है तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ। कभी भी याद रखना, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग अगर आपको करनी है ना, तो आपको चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं सर। आपको लगता है लैंड, जरूरी नहीं खाली जमीन, ऑफिस है, लैंड है, कोई भी देखो ना, आप आज लैंड के बिना कोई काम नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। आपको लगेंगे मजदूर, लेबर, मजदूर लोग। तो लेबर लोग मतलब जरूरी नहीं कि वो मजदूर ही हो सर, जो भी बंदा स्किल प्रोवाइड करता है, कोई पेंटिंग कर रहा है ना, तो उसको भी हम इकोनॉमिक्स में लेबर बोलेंगे, क्योंकि वो स्किल दे रहा है, तो स्किल के लिए काम करता है। लैंड लगेगा आपको, काम करने के लिए लेबर लगेंगे आपको, पैसा, मशीनरी, ये सब चीजें लगेंगी आपको, कैपिटल लगेगा सर। और आप खुद जो इन सबको एक साथ लाओगे सर, एंटरप्रेनर लगेगा आपको। ठीक है, तो इन चारों को बोलते हैं सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनको क्या बोलते हैं सर हम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये पोकट में तो काम करेंगे नहीं, तो लैंड जो है ना, अपना लैंड अपनी सर्विसेज दे रही है, तो लैंड को लगता है सर रेंट, लैंड मांगती है मुझे रेंट दे। लेबर काम करता है, लेबर मांगता है सर वेजेस, मुझे वेजेस सैलरीज दे। कैपिटल बोलता है तू मुझे इंटरेस्ट दे, ठीक है इंटरेस्ट यानी ब्याज दे। और एंटरप्रेनर बोलता है तू मुझे प्रॉफिट दे। क्या दे सर, प्रॉफिट दे। अब याद रखना, हमेशा याद रखना, जरूरी नहीं है कि जितना पैसा प्रॉफिट बिजनेस कमाए सबका सब एंटरप्रेनर में बांट दे, कुछ पैसा हम बिजनेस में ही रखते हैं। तो या तो हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिसको कंपनीज बहुत होशियारी से डिविडेंड कहती है सर, और कुछ पैसा बांटती नहीं अपने पास, अपने जेब में रखती फॉर फ्यूचर बिजनेस, जिसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। जो पैसा, जो अर्निंग्स अपने अपने पास रखी, रिटेन्ड अर्निंग्स कहा जाता है। तो ये हो गया एंटरप्रेनर का कॉस्ट। जरूरी नहीं है कैपिटल सिर्फ इंटरेस्ट मांगे सर। आपने मशीनरी ले लिया, कैश में परचेज किया, मतलब कैश में इन द सेंस वन टाइम परचेज किया, तो आप इंटरेस्ट तो भरोगे नहीं उसके ऊपर, तो मशीनरी का कॉस्ट क्या होगा सर, हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना, हर साल मशीनरी का वैल्यू कम होते जाएगा, डेप्रिशिएट होगी, तो डेप्रिसिएशन बिकम्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल हियर। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए रेलेवेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए ये रेलेवेंट नहीं है, ये सारे कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं चलती। तो सर हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम गिनने कैसी जाती है, तो सबसे क्लासिक कॉन्सेप्ट सामने आता है सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक यानी घर के अंदर, यानी देश में, एक देश के बाउंड्रीज के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज यानी प्रोडक्शन हुआ, इसको अगर आप ऐड कर दोगे ना, तो बन जाएगा सर जीडीपी। ग्रॉस का मतलब क्या होता है बाद में बताता हूं, फिलहाल के लिए समझ लीजिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल यानी मैंने कॉटन लाया, कॉटन को मैंने विनिंग कर की, उसके बाद मैंने उसे शर्ट बनाया। मैं शर्ट की बात कर रहा हूँ, फाइनल गुड के बारे में बात कर रहा हूँ, कॉटन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रोसेस की बात नहीं कर रहा। तो सर ये जो फाइनल गुड्स मेरे बनते हैं, फाइनल सर्विसेज बनते हैं, जितने इस देश में प्रोड्यूस हो जाते हैं, अगर मैं उसकी वैल्यू को ऐड कर दूं, तो दैट बिकम्स माय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी। ठीक है, अब सर यहाँ पे मैंने बोला वैल्यू, ये तो आपको समझ गया गुड्स और सर्विसेज, लेकिन वैल्यू क्या होता है सर, वैल्यू कैसे निकालोगे। तो मैं क्या करूंगा, ये शर्ट मार्केट में बिकता है मान लीजिए 200 रुपए को, तो 200 बिकम्स इट्स मार्केट प्राइस। ठीक है, यही शर्ट दादाजी बोलते हैं 10 साल पहले हमारे एरिया में 50 रुपए में मिलता था, आज तुम लोग उसको 200 में, 2000 रुपए में खरीद रहे हो। बाप रे दादाजी क्या बोल रहे हो। तो दादाजी के टाइम से लेके आज के टाइम पे अगर हम ट्रेवल करेंगे, तो तब शर्ट्स बनते थे मान लीजिए 100 शर्ट्स बनते थे इस देश में, आज बन जाते हैं 5000 शर्ट्स। तो मुझे बताओ 50 रुपए की चीज आज 2000 में बिकती है, ये अच्छी या बुरी चीज है। देखा जाए तो थोड़ी सी नेगेटिव चीज है सर ये, क्योंकि ये मुझे बताता है देश में महंगाई बहुत है, इन्फ्लेशन बहुत है, समझ रहे हो। लेकिन पहले 100 शर्ट बन रहे थे, आज 5000 शर्ट्स बनते हैं, ये मेरे लिए पॉजिटिव चीज है, इससे मुझे समझता है देश ग्रो कर रहा है, देश प्रोग्रेस कर रहा है। सर क्यों प्रोग्रेस कर रहा है, क्यों ग्रो कर रहा है, अरे बेसिकली आप समझ रहे हो, पहले सौ ही शर्ट बिकते थे, आज 5000 बिक रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दो चीजें दिखती है, एक मुझे दिखता है इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी आ रहा है, देखो प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं, और एक चीज मुझे यहाँ पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट दिखता है, और दूसरी चीज मुझे दिखती है यहाँ पे प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो अगर मैं देखूं तो ओवर द पीरियड देश में प्रगति हुई, देश में ग्रोथ हुआ कि नहीं, इसको देखने के दो नजरिए, महंगाई कितनी बढ़ी और प्रोडक्शन कितना बढ़ा। अगर मैं मार्केट प्राइस ले लूंगा आज की, मार्केट प्राइस 2000, तो देखो 2000 रुपए में सर इन्फ्लेशन आ जाता है, क्योंकि 50 की चीज आज 2000 में बिक रही है। तो अगर मैं जीडीपी को, जीडीपी में जो वैल्यू है ना सर, वैल्यू, इस वैल्यू को मार्केट प्राइस पे वैल्यू करना चाहूं, मार्केट प्राइस ले लूं, यानी 100 शर्ट्स बने, 50 सर्विसेज बने, और इनको मैंने मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस बनेगा।
ये झूठा जीडीपी है सर, इसलिए इसको कहा जाता है नॉमिनल। सर झूठा क्यों? अरे बच्चे इसमें ना इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ जाता है। देखो प्रोडक्शन का इम्पैक्ट तो आ गया, 100 से 5 हजार शर्ट बने तो प्रगति दिख गई, प्रोडक्शन चेंज मिक्स दिख गया, लेकिन इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी इसमें दिखता है। मुझे ये दोनों इम्पैक्ट जिस चीज में दिखते हैं ना, वो होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और मुझे इससे घिन है, मुझे ये पसंद नहीं, क्योंकि देश में ये इन्फ्लेशन है ये बताता है सर। तो जब भी हम वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट वैल्यू पे, मार्केट प्राइसेस पे वैल्यू करेंगे, जो चीज मिलेगी उसको कहा जाएगा नॉमिनल जीडीपी, और इसमें प्रोडक्शन के साथ साथ इन्फ्लेशन का चेंज दोनों इम्पैक्ट इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। तो देखो प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ जाती वो भी दिखता है, प्राइजेस बढ़ते ये भी दिखता है, मुझे ये पसंद नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ इन्फ्लेशन हटाओ, इन्फ्लेशन का इन्फ्लेशन देश से नहीं हटेगा, ये जो जीडीपी है ना इससे ये इफेक्ट हटा दो। तो अगर मैं कहना चाहता हूँ जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से मुझे इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट हटाना है सर, तो मैं क्या करना चाहूंगा, रैदर देन मल्टीप्लाइंग इट यूजिंग द मार्केट प्राइसेस, जो आज की करंट प्राइस है, इसको यूज करने की जगह मैं ये 50 रुपीज को यूज कर लेता हूँ, कॉन्स्टेंट प्राइस को यूज कर लेता हूँ। तो देखो प्राइस का इम्पैक्ट नलीफाई हो गया, प्राइस चली गई मेरे कैलकुलेशन से, प्राइस का इन्फ्लेशन इम्पैक्ट चला गया, तो बचता क्या है सर, सिर्फ प्रोडक्शन का चेंज, और ये है मेरा असली वाला जीडीपी, मेरा अच्छा वाला जीडीपी, जिसको हम प्राउडली कहते हैं सर रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी यानी बेसिकली वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बट इट विल बी वैल्यूड एट कॉन्स्टेंट प्राइजेस रादर देन मार्केट प्राइजेस। तो इसमें से प्रोडक्शन चेंज का इम्पैक्ट इंक्लूडेड है सर, और कुछ भी इम्पैक्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस इंक्लूड्स इन्फ्लेशन, और मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा एट कॉन्स्टेंट प्राइजेस। अगर ये चीज समझ गई होगी आपको, तो मैं अगले कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ, समथिंग कॉल्ड एज डिफ्लेटर। जब भी हम किसी टायर में एयर हवा भरते हैं ना सर, टायर पंचर हो जाता है, तो उसे कहते हैं इन्फ्लेट करना। क्या बोल रहे हो सर? जी बिल्कुल। और जब उसमें से हवा निकालते हैं, व्हेन वी टेक आउट द एयर बैक, निकालते हैं, तो उसे कहते हैं सर डिफ्लेट करना। सेम वे अगर मैं इसको इकोनॉमी बोलू ना सर, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन अगर आता है तो उसे कहते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई, और इन्फ्लेशन निकाला जाता है तो उसे कहते हैं डिफ्लेशन। देखो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, इसको थोड़ा एक मतलब क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकली ज्यादा रिलेट करने की सोचो आप, तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। तो जीडीपी डिफ्लेटर अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा जीडीपी है सर, और इसमें से मुझे इन्फ्लेशन हटाना है, इसमें से महंगाई हटानी है, तो मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, जीडीपी का डिफ्लेटर लगाऊंगा सर। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें इन्फ्लेशन प्लस प्रोडक्शन दोनों है सर, इसमें से इन्फ्लेशन मुझे हटाना है, तो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा एक टूल जिसको मैं कहूंगा जीडीपी डिफ्लेटर। ये जीडीपी डिफ्लेटर मैं इस पे अप्लाई करता हूं, तो जो चीज मुझे मिलेगी दैट विल बी जीडीपी, बट नॉट एट मार्केट प्राइस। तो कौन से प्राइस सर? कॉन्स्टेंट प्राइस, रियल जीडीपी मिलेगा। तो नॉमिनल से रियल तक जाने का सफर जीडीपी डिफ्लेटर तय कराता है सर। तो देखिए जीडीपी डिफ्लेटर इज यूज टू टेक इन्फ्लेशन आउट ऑफ जीडीपी, दैट इज डिफ्लेट द जीडीपी। ये नॉर्मल नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये क्या करना चाहता है बेसिकली, अब बहुत आसान है ना, मैं तुमको बोल रहा हूँ पिछले साल मुझे 100 मार्क्स मिले, इस साल मुझे 150 मिले, कितना परसेंटेज बढ़ा बताओ। तो आप क्या करोगे, चलो सर 150 मिले, पिछले साल 100 थे, तो आपका 50 मार्क्स बढ़ा, तो 50 ऊपर आएगा। सर किधर से बढ़ा? 100 से बढ़ा, तो डिवाइडेड बाय 100 × 100 करूंगा तो मुझे मिलेगा कि मेरा ग्रोथ 50% हुआ है। तो सेम वे मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ सर, मुझे इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना है यूजिंग जीडीपी डिफ्लेटर, तो मैं क्या करूंगा, रियल जीडीपी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी डिफ्लेटर से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं समझा है, थोड़ा भी कंफ्यूजन है, 2 मिनट रुक जाइए। देखिए जीडीपी डिफ्लेटर होता है जो इन्फ्लेशन बताता है सर। मैं क्या करता हूँ, जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर 2 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर 1 डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर और ईयर 1 यानी बेसिक ईयर का इनटू 100 करोगे तो मुझे इन्फ्लेशन का रेट मिलेगा। मैं तुझे बोल रहा हूँ सर नॉमिनल में इन्फ्लेशन प्लस प्रोडक्शन चेंज दोनों है, जबकि रियल में सिर्फ प्रोडक्शन चेंज। मुझे यहां से यहां तक जाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा बाय द जीडीपी डिफ्लेटर। अगर मैं ऐसा करता हूं मल्टीप्लाइड बाय 100 तो मुझे रियल जीडीपी मिलेगा सर, मुझे रियल जीडीपी मिलेगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा वही फॉर्मूला मैंने लिखा। और सर ये जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकाला जाता है, तो आपको क्या करना है, जीडीपी डिफ्लेटर वो अपने को इन्फ्लेशन के बेसिस पे निकलेगा। इसका इलस्ट्रेशन यहाँ पे देखो, मैं लेटेस्ट ईयर लेता हूँ 2018-2019 में, मेरा नॉमिनल जीडीपी दिया है, रियल जीडीपी दिया है। मैं क्या करूंगा सर, मुझे जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है,
मतलब मुझे देखना है इन्फ्लेशन है कि नहीं। मुझे अपेरेंटली दिखता है, देखो प्रोडक्शन में भी बदलाव है, इन्फ्लेशन पर प्रोडक्शन में भी बदलाव है। मैं क्या करूंगा सर, सिर्फ देखूंगा प्राइस लेवल। मेरी प्राइस में मैं क्या करता हूँ, ये मेरा है ना 1190, 1240, मैं क्या करूंगा, मुझे निकालना है जीडीपी डिफ्लेटर। मैं क्या करूंगा, मेरा नॉमिनल जीडीपी कितना है 1550 बराबर, डिवाइडेड बाय मेरा रियल जीडीपी कितना है सर 1190, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो इस साल का जीडीपी डिफ्लेटर मेरा आएगा सर 130.25। बाप रे, अभी नेक्स्ट ईयर का निकालता हूँ सर मैं, ये वाला निकालता हूँ, तो ये मेरा नॉमिनल जीडीपी, ये मेरा मेरा रियल जीडीपी इनटू 100 में करता हूँ तो मुझे मिलेगा 137.10। तो देखो डिफ्लेटर बढ़ रहा है सर, तो जीडीपी डिफ्लेटर बढ़ रहा है, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है सर, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एमसीक्यू के लिए बता देता हूँ रेलेवेंट क्या रहेगा, जब भी डिफ्लेटर 100 से ज्यादा होगा वो बोलेगा कि प्राइजेस बढ़ती जाती है, व्हेनेवर द जीडीपी डिफ्लेटर इज अबव 100 इट शोज दैट द प्राइजेस आर हायर एज कंपेयर टू द बेस ईयर, दैट इज इन्फ्लेशन एग्जिस्ट। ओके, एंड व्हेनेवर इट इज ग्रेटर देन 100, तो उस केस में हमेशा ऑलवेज द नॉमिनल जीडीपी विल बी ग्रेटर देन रियल जीडीपी। क्यों? अरे नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन प्लस प्रोडक्शन चेंज है और रियल जीडीपी में सिर्फ प्रोडक्शन चेंज है। मैं तुझे बोलता हूँ अबाउ 100 जीडीपी डिफ्लेटर यानी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा ना सर दैट द नॉमिनल जीडीपी विल बी ग्रेटर देन द रियल जीडीपी। पेपर में या तो एमसीक्यू, पेपर में एमसीक्यू या तो सॉल्विंग के ऊपर आएगा या तो एमसीक्यू आएगा, ये दोनों लाइंस पे, कि 100 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो बस इतना आपको पता होना चाहिए। ये सेम है उसके, ये आप देख लेना, सेम इलस्ट्रेशन है। कुछ शॉर्टकट्स में बता देना चाहता हूँ, अभी जैसे हमने जीडीपी पढ़ा ना सर, वैसे ही हम कुछ पढ़ने वाले हैं जीएनपी, फिर हम पढ़ेंगे एनएनपी, फिर हम पढ़ेंगे एनडीपी, ये हम ऐसा कुछ पढ़ने वाले। सर ये क्या होता है, जीडीपी में ना दोस्त, जीडीपी में सिर्फ इंडियन इनकम आ जाती है, क्योंकि मैंने क्या बोला डोमेस्टिक, मैं इसमें फॉरेन की इनकम अगर ऐड कर दूं तो ये डोमेस्टिक का हो जाएगा नेशनल, तो मैं कहूंगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या बात करता है सर, यस। और सेम ग्रॉस जब मैं यूज करता हूँ ना तो मैं डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर रहा हूँ सर, डेप्रिसिएशन मेरा अच्छा खासा बड़ा खर्चा है मेरे प्रोडक्शन का। क्यों? अरे मेरे असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, मेरे असेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अर्थक्वेक वगैरह की वजह से, टेक्नोलॉजी आती है मेरे असेट्स एब्सोल्यूट हो जाते हैं, तो मेरे को ये भी तो खर्चा आता है। तो जब मैं जीडीपी से डेप्रिसिएशन को हटा दूं सर, माइनस कर दूं मेरी इनकम से, तो मुझे ग्रॉस की जगह मिलेगा, जो भी मिलेगा नेट मिलेगा। तो देखेंगे जब भी हम डेप्रिसिएशन हटाएंगे तो फर्स्ट लेटर पे इंपैक्ट आएगा, यानी जी डी पी है तो ये लेटर पे इंपैक्ट आएगा, जी का एन हो जाएगा, ठीक है, ग्रॉस का नेट या नेट का ग्रॉस। और जब भी हम फॉरेन इनकम ऐड करेंगे तो सेकंड लेटर पे इंपैक्ट आएगा, मतलब ये जी डी पी है तो ये डी पे फर्क पड़ेगा सर, डी से हो जाएगा ये एन। एक बार आगे चल के हम देखते हैं इनके कॉन्सेप्ट को। मेरे सामने सबसे पहली चीज आ जाती है सर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम जीडीपी जैसा दिखता है, लेकिन नेट आ गया ना तो मैं बोल सकता हूँ जीडीपी में से डेप्रिसिएशन हटा दो बच्चे, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्योंकि कैपिटल मशीनरी डेप्रिशिएट होती है, मेरा काफी बड़ा खर्चा है सर ये। तो टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माइनस द वैल्यू ऑफ कैपिटल यूज्ड, तो इसको आप बोलोगे सर एनडीपी। इसमें असेट को ऑब्सोलेंस, मतलब टेक्नोलॉजी बदल गई तो पुराना असेट कुछ काम का नहीं, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, अर्थक्वेक आ गया असेट डिस्ट्रॉय हो गया, ये भी कंसिडर इसमें होता है। देखो एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना होगा ना, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस लेना, कैसे निकाला था जीडीपी एट मार्केट प्राइस, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस। तो ऐसा जब हम करते हैं ना सर, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी यही है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन हटा दो, एनडीपी एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन हटाओगे नेट मिलेगा, नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करोगे ग्रॉस मिलेगा, यही मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखो क्या हुआ, जीडीपी से अभी मैं जीएनपी पढ़ना चाहता हूँ तो मैं सेकंड लेटर बदल रहा हूँ, तो मैं फॉरेन इनकम ऐड करना चाहता हूँ। फॉरेन इनकम दो तरीके से अर्न होती है सर, अगर मैं बोलता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, फॉर द टाइम बीइंग इलस्ट्रेशन देखो, जब मैं लिखना चाहता हूँ सर यहाँ पे, ये मेरा इंडिया है और ये यूएस है और ये यूके है, तो है ना इंडियंस लोग है ना, इंडियंस जो इंडिया में नहीं रहते, अगर ये ब्लू को मैं इंडिया मान लेता हूँ, चलो यहाँ पे मैं ब्लू को इंडिया मान लेता हूँ, ठीक है, तो इंडियंस जो यूएस में रहते हैं, यूके में रहते हैं और वहां पे इनकम कमाते हैं, तो इंडियंस अर्निंग इनकम आउटसाइड इंडिया, ये इंडिया की अच्छी बात है, तो इसको हम ऐड करेंगे। और फॉरेनर्स
यूएस यूके वाले अर्निंग इनकम इन इंडिया, ये इंडिया के लिए बुरी बात है, इसको हम माइनस करेंगे। जब हम ये एक्टिविटी करेंगे ना सर, दैट इज इंडियंस अर्निंग इनकम आउटसाइड इंडिया एंड आउटसाइडर्स अर्निंग इनकम इन इंडिया, तो जो चीज मेरे पास बन के आएगी उसको हम कहेंगे NFIA, मतलब सर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये क्या बोला सर अपने, अच्छी चीज बुरी चीज? देखो हाँ, जो इंडिया में पैसा कमाएगा ना वो इंडिया का नहीं है, बाहर का है, तो वो अपने पैसे बाहर बेचेगा, इंडिया से पैसे बाहर जाएंगे सर। लेकिन जो फॉरेनर है, जो इंडिया के बाहर इंडियन, वो अपने पैसे इंडिया में भेजेगा अपने माँ बाप के पास, तो सर ये इंडिया के लिए अच्छी चीज है, तो इसको हम कहते हैं सर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। सर फैक्टर, अरे ये फैक्ट्री तो हो गए, लैंड लेबर कैपिटल, तो ये जो इंडियंस बाहर काम करेंगे तो वो अपने लिए पॉजिटिव है, जो बाहर के लोग इंडिया में काम करेंगे अपने लिए नेगेटिव है, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन। तो जब भी मैं मेरे जीडीपी में, मैं जब NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड कर देता हूँ ना सर, तो जो मेरा बनेगा वो जीडीपी से बन जाएगा सर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो देखो, मेजर ऑफ मार्केट वैल्यू, कौन सी वैल्यू? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, याद तक जो बन गया ये बन गया नॉमिनल या फिर जीडीपी ऑफ अ कंट्री, इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्या बोला मैंने? नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और नेट फैक्टर्स इनकम क्या होता है सर? बेसिकली इनकम अर्न्ड बाय आवर सिटीजंस, भारतीयों ने बाहर कमाई हुई इनकम में से विदेशियों ने इंडिया में, फॉरेनर्स इनकम इन इंडिया माइनस कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अगर ये अच्छी चीज है, मतलब इंडियंस अच्छा पैसा कमा रहे बाहर और ये लोग इधर आके थोड़ा कम पैसा कमा रहे, तो नेट रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, बराबर। और जब भी ये पॉजिटिव आता है तो मैं ऐसा कहूंगा कि देखो हाँ, जीडीपी में, ये NFI है नहीं, NFI है नहीं, ठीक है। अब मैं जीडीपी, या फिर मैं बोलता हूँ जीएनपी, में NFI है। अगर मेरे लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो जीडीपी में ये चीज ऐड हो रही है, तो मैं कह सकता हूँ सर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन जीडीपी अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव है। लेकिन मेरे लोग नल्ले बाहर जाके कम पैसा कमा रहे, मान लीजिए 50 रुपए कमा रहे, और बाहर के लोग यहाँ पे आके 100 कमा रहे, तो सर नेट इम्पैक्ट -50 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीडीपी में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे, ऐड करने की जगह लेस हो जाएगा, तो इस केस में जीएनपी विल बी स्मॉलर देन जीडीपी। मुझे आई होप ये चीज आपको समझिए, बहुत आसान चीज मैंने आपको बताई। तो देखो सर, बेसिकली नेशंस परमानेंट रेसिडेंट कितना इनकम कमाते हैं, नेशंस परमानेंट रेसिडेंट, आप लोग जो आज इंडिया में रहते हो आप इसमें आ गए, और जो इंडियन से बाहर जाके पैसा कमा रहे वो भी इसमें आ गए, तो इनकी टोटल इनकम गिनने का तरीका है जीएनपी। तो देखो, एप्पल कंपनी है ना, इंडियन कंपनी नहीं है, तो जो अगर वो इंडिया में आके कुछ पैसा कमाएगी ना सर, तो वो इंडिया के जीडीपी का पार्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में कमा रही है, इंडिया में बना रही प्रोडक्शन। लेकिन यही यही जो इंडिया में वो चीज बना रही है, लेकिन वो रेसिडेंट है यूएसए की, समझ रहे हो, तो यूएसए का बंदा इंडिया में आके पैसे कमा रहा है, तो ये यूएसए के लिए बन जाएगा पार्ट ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्यों? मैंने बोला ना, यूएसए रेसिडेंट अर्निंग इनकम आउटसाइड यूएसए विल बी जीएनपी ऑफ यूएसए। हमने इंडिया की बात करी, ये यूएसए की बात कर रहे हैं, सेम टू सेम है सर। तो ये हमेशा मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होगा और उसको ऐसे लिखा जाएगा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। इसको अलग तरीके से लिखना होगा, तो मैं लिखूंगा जीडीपी, और जीडीपी में मुझे ऐड करना है फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय डोमेस्टिक इंडियंस, इंडियंस ने एम्प्लॉयड इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इंडियंस विदेश में काम कर रहे कितना पैसा कमाया, मान लीजिए 150 कमाया, एंड फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विदेशी लोगों ने इंडिया में कितना कमाया, मान लीजिए 100 रुपए कमाया, इसको लेस कर देंगे, तो नेट में 50 रुपए जीडीपी में ऐड कर दोगे, तो जीडीपी का सेकेंड लेटर बन जाएगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर है। जीएनपी एट मार्केट प्राइस में जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस NFI, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। उल्टा किया सिर्फ, इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में सर, नेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इंडियन लोग बाहर कितना सैलरी कमा रहे, फॉरेनर लोग इधर कितना सैलरी कमा रहे, नेट कर दो, बराबर। इंडियन तो वैसे सेम, प्रॉपर्टी, एंटरप्रेन्योरशिप, नेट रिटर्न अर्निंग्स, तीनों को आप करोगे ना सर, NFI बनेगा। तो पेपर में आपको 100% MCQ में आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, 1, 2, बोथ। तो आपको NFI के दोनों चीजें पता होनी चाहिए, नेट कंपेंसेशन, नेट प्रॉपर्टी, नेट रिटर्न, एंटरप्रेन्योरशिप, और ये वाला भी, कौन सा, अपना वाला भी, ओके। आई होप यहाँ तक पूरी क्लैरिटी है। तो सर नेशनल में डोमेस्टिक,
प्लस नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम अब्रॉड भी आ जाता है। जीएनपी की बात कर रहा है ये, एन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इट इज कॉल्ड एज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइजेस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइजेस, देखो जी डी पी दोनों वर्ड बदल रहा हूं सर मैं, ग्रॉस से नेट कराना चाहता हूं मतलब डेप्रिसिएशन लेस करवा रहा हूं, और डी से नेशनल पे लेके आ रहा हूं यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करवा रहा हूं। आसान है, देखो मेजर ऑफ मार्केट वैल्यू फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यहां तक तो बन जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऑफ अ कंट्री बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स इंक्लूडिंग एनएफआई, तो बन गया जीएनपी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन, तो बन जाएगा एनएनपी, एनएनपी क्योंकि प्राइसेस मार्केट वैल्यू पे किया इसलिए मार्केट प्राइस। तो देखो एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज जीएनपी एट मार्केट प्राइस, डिप्रिसिएशन हटा दो फर्स्ट लेटर एनएनपी हो जाएगा। एनएनपी एट मार्केट प्राइस मतलब क्या, एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ऐड कर दो तो सेकंड लेटर डी को एन बनवा दूंगा। एनएनपी एट मार्केट प्राइस को जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस एनएफआई माइनस डेप्रिसिएशन ऐसा भी लिखा जा सकता है। दीज आर जस्ट डिफरेंट एब्रीविएशन सर, दीज आर जस्ट डिफरेंट एब्रीविएशन। आगे चलते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये काफी नई चीज है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, अगर आप है ना कोई इंडस्ट्री लगाओगे, मान लीजिए आपको बनाना है कोई क्लॉथ, तो क्लॉथ बनाने के लिए आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, इन सबको आप कुछ पैसा दोगे, इसको कहते हैं हम फैक्टर कॉस्ट। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर किया गया खर्चे को हम कहते हैं सर फैक्टर कॉस्ट। इसमें आप क्या करोगे, आपका प्रॉफिट ऐड करोगे बेचने से पहले। मान लीजिए फैक्टर कॉस्ट मेरा आ जाता है 10 रुपीज, तो मैं इसमें प्रॉफिट ऐड कर रहा हूँ सर, मेरा प्रॉफिट मैंने ऐड किया मान लीजिए इसमें 1 रुपया। सरकार बोलती है ऐसे कैसे, इसमें जीएसटी ऐड करो यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करो, जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, तो सरकार इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करने को बोल रही है 2 रुपए, मैंने वो भी ऐड करे। सरकार बोलती है नहीं यार ये चीज है ना मार्केट में सस्ती भी जानी चाहिए, जैसे फर्टिलाइजर है, तो मैं चाहता हूँ मैं इसके ऊपर आपको सब्सिडी दे देती हूँ, सरकार सब्सिडी दे देती है तो सब्सिडी लेस करनी पड़ती है इसमें से। सब्सिडी यानी क्या होता है, सरकार बोलती है तू ये ना 2 रुपए सस्ते में बेच, 2 रुपए मैं तुझे दे देती हूँ। तो देखो मेरा मार्केट प्राइस क्या हो गया, मार्केट में लोगों कितने को पड़गी वो चीज, 10 कॉस्ट है, 1 प्रॉफिट है 11, 2 डायरेक्ट टैक्सेस 13, 1 रुपए सब्सिडी, तो ₹12 में वो चीज पड़ी, इसको बोलेंगे सर मार्केट प्राइस। अब देखो हाँ दिक्कत क्या हो जाती है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे जब भी इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी हटाई जाती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी हटाई जाती है तो इसको कहा जाता है सर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या बोल रहे हो सर, हाँ अभी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी हटाओगे उसको हम कहेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी मुझे बताओ बच्चों, मैं तुमको बोल रहा हूँ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं इसमें फैक्टर कॉस्ट में लैंड का रेंट आ गया, लेबर का वेजेस आ गया, कैपिटल का इंटरेस्ट आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, लेकिन बचता है सर डेप्रिसिएशन नहीं आया, लेकिन एंटरप्रेनर का प्रॉफिट कहाँ आया सर, एंटरप्रेनर का प्रॉफिट यहाँ पे। तो मैं ऐसा कहूँ क्या कि मेरा फैक्टर कॉस्ट ये चीज बनाने का मेरा प्राइस है 11 रुपए, 10 प्लस 1 11, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ये मेरा फैक्टर कॉस्ट है। अब फॉर्मूला देखेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले मैं बोलता चाहता हूँ सर आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी मेरे मार्केट प्राइस गुड्स का 13 रुपए था, 12 रुपए था, कितना था सर 12 रुपए था, ओके तो 12 रुपए, इसमें से सर इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दो, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने लगाए सरकार ने मेरे ऊपर 2 रुपए के लगाए, मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करता हूँ, सरकार बोलती सब्सिडियां ऐड कर दो, मैं सब्सिडी 1 रुपए ऐड कर देता हूँ, कितना आया सर ये 11 आया, देखो जितना इधर 11 आया मैंने भी डायरेक्ट 11 निकाला, तो बन गया सर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। प्रोसेस को समझोगे फॉर्मूला अपने आप आएगा, पहले थोड़ा फर्क समझ लेते हैं। पहले होता है एक फैक्टर कॉस्ट नाम की चीज, फैक्टर कॉस्ट यानी आपको फैक्टर से प्रोडक्शन को कितना पैसा देना पड़ता है, हमारे केस में 11 रुपए, 10 रुपए बाकी होगा और 1 रुपए एंटरप्रेनर का। तो फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हो, मार्केट प्राइस में से अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दोगे, जैसे मार्केट प्राइस यहाँ पे 12 रुपए है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी क्या, जीएसटी 2 का है, इनडायरेक्ट टैक्सेस 1 रुपए का है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स 1 का है, मैं 1 रुपए हटा देता हूँ, देखो 11 आ गया मेरा फैक्टर कॉस्ट सेम टू सेम, तो मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, या फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिखने की जगह फुल फॉर्म में लिख देता हूँ माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, सब्सिडीज फैक्टर कॉस्ट में माइनस होके आती है बच्चे, और डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होके आते हैं, हम उल्टा जा रहे हैं ना, फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस हमेशा ऐड होंगे, सब्सिडीज हमेशा लेस होंगी, तब जाके मार्केट में ये चीज बिकेगी।
मैं उल्टा जा रहा हूँ, इसलिए सब्सिडी को ऐड कर रहा हूँ, टैक्स को लेस कर रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा फैक्टर कॉस्ट। यहां तक अगर क्लियर है तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ सर, बेसिक प्राइस। अब देखिए, सरकार इनडायरेक्ट टैक्सेस जब लगाती है, पहले था ये अभी नहीं है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस दो तरीके से लगते हैं। एक होता है आप इस देश में 10,000 लीटर दारू अगर बनाते हो, लीकर बनाते हो, तो आपको 10, मान लीजिए 20% टैक्स लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, आप अगर 10,000 से ज्यादा 15,000 लीटर तक बनाते हो तो आपको सरकार 30% टैक्स लगाएगी। अगर आप 15,000 से ज्यादा 20,000 तक बनाते हो तो सरकार आपको 40% टैक्स लगाएगी। तो देखो टैक्स का बेसिस क्या है यहाँ पे, टैक्स का बेसिस है सर प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन होगा उतना टैक्स लगेगा, इसको कहा जाता है प्रोडक्शन टैक्सेस। इसके उल्टा होता है सर, एक दारू बनाओ दो बनाओ फर्क नहीं पड़ता, लीकर के ऊपर सरकार 100% ₹2 पर बॉटल जीएसटी कलेक्ट करने को बोल रही है, या फिर टैक्स कलेक्ट करने को बोल रही है। तो यहाँ पे ना प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है, यहाँ से फर्क पड़ता है प्रोडक्ट से। तू अगर दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा, तू पेप्सी बनाएगा तो देखो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन तू लीकर बनाएगा तो देखो प्रोडक्ट टैक्स लगेगा। तो एक होता है प्रोडक्शन इन टैक्सेस, एक होता है प्रोडक्ट टैक्सेस। सेम वे सर सब्सिडी का भी वैसा ही होता है। सरकार कहती है अगर आप फर्टिलाइजर बेच रहे हो, कोई भी फर्टिलाइजर आप बेचोगे ना, एक भी बेचोगे, तो भी सरकार आपको ₹2 पर पैकेट का सब्सिडी देगी, इसको कहा जाता है सर प्रोडक्ट सब्सिडी। दूसरा होता है सरकार कहती है अगर आप 10,000 क्विंटल्स का गेहूं बनाते हो, 10,000 क्विंटल्स का वीट बनाते हो, तब आपको सरकार क्या देगी, 20% ऑफ कॉस्ट का सब्सिडी देगी, तो इसको कहा जाता है सर प्रोडक्शन सब्सिडी। जब सब्सिडी डिपेंड करे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन उसको कहा जाता है प्रोडक्शन सब्सिडी, और जब सब्सिडी डिपेंड करे ऑन जस्ट प्रोडक्ट उसको कहा जाता है प्रोडक्ट सब्सिडी। अगर ये क्लियर है ना तो आपके लिए ये चीज बहुत आसान हो जाएगी जो मैं आप बोलना चाहता हूँ। मैं कहता हूं सर जब भी मेरा फैक्टर कॉस्ट आएगा, जो भी मेरा फैक्टर कॉस्ट है, उसमें मैं प्रोडक्शन के टैक्सेस ऐड कर दूंगा और प्रोडक्शन पे मिली हुई सब्सिडीज लेस कर दूंगा, जो मिलेगा ना सर वो उसको हम कहेंगे सर बेसिक प्राइस। क्या कहेंगे सर, बेसिक प्राइस, दैट इज सब्सिडाइज प्राइस विदाउट टैक्स। प्रोडक्ट का रिलेटेड कुछ भी नहीं यहाँ पे, यहाँ पे एक्शन कौन ले रहा है, सिर्फ प्रोडक्शन टैक्सेस, प्रोडक्शन सब्सिडी। और अगर मैं इसी में से प्रोडक्ट के टैक्सेस ऐड कर दू, प्रोडक्ट के टैक्सेस इस पे ऐड कर दू, कहाँ पे गया, यहाँ पे, और प्रोडक्ट की सब्सिडी लेस कर दू, सब्सिडी लेस कर दू, तो जो चीज मिलेगी सर मार्केट प्राइस होगा। अरे मार्केट में मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुमको कौन सा सब्सिडी और कौन सा टैक्स लगा, मुझे तो फाइनल प्राइस चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऐसा कहूंगा सर, मैं ऐसा कहूंगा कि फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड कर दो, प्रोडक्ट टैक्सेस ऐड कर दो, प्रोडक्शन पे मिली हुई सब्सिडी और प्रोडक्ट पे मिली सब्सिडी लेस कर दो, जो बनेगा मार्केट प्राइस हो या बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस यानी क्या हो गया, बेसिक प्राइस क्या होता है सर, बेसिक प्राइस यानी फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन के टैक्सेस ऐड किए गए, प्रोडक्शन की सब्सिडी लेस की गई, इतना अगर मिल जाता है तो सिर्फ प्रोडक्ट के टैक्सेस ऐड कर दो, प्रोडक्ट की सब्सिडी लेस कर दो, आपको मिल जाएगा मार्केट प्राइस। उल्टा फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट है, इस पे इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दो, सब्सिडी लेस कर दो, बन जाएगा मार्केट प्राइस। अगर मान लीजिए इसके ऊपर कुछ भी बेसिक प्राइस नहीं निकालना है, तो ये हो गया एक मोटा मोटा डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस। एक बार फिर से देख लो, बहुत आसान है। तो मैं इतना कहूंगा सर जब भी मुझे जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, अच्छा ये रेलेवेंट है ओनली फॉर एमसीक्यू पर्पस, इसका कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन कहीं पे कुछ आने वाला नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ सर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में आप पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस ले लीजिए, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दीजिए, सब्सिडीज ऐड कर दीजिए, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस कर दीजिए, ऐसा बोलना चाहता हूँ। या फिर मैं ऐसा बोलूँ जो लेबर्स है उनकी सैलरी उसमें ऐड करो, जो लैंड का रेंट है, कैपिटल का इंटरेस्ट है, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट ऐड कर दो, फिर डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। डेप्रिसिएशन क्यों, ये भी तो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक तरह। अभी तो मैंने ऊपर बोला आपका मशीन, आपका मशीन घिसता है तो डेप्रिसिएशन इसमें ऐड कर दो। क्यों ऐड किया सर, मैं बोल रहा हूँ ना ये भी तो अपना कॉस्ट है, तो दिस बिकम्स माई जीडीपी एट फैक्टर को। ये चीज भूल गए क्या सर, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल, नहीं भूला नहीं बच्चे। ये जो होता है ना, ये कब पॉसिबल है पता है, हर एक को अंडरस्टैंड करना कि सैलरी कितना है, वेज कितना है, रेंट कितना है, जब तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग का धंधा हो, जब तुम लॉयर हो, तुम सीए हो, तुम मान लीजिए कोई बार्बर हो, जो भी कोई हो, दुकानदार सर्विसेज दे रहा है, तो तुमको जो इनकम आती है ना वो तुम बाइफरकेट नहीं कर सकते, क्योंकि तुझे क्या पता कि तुझे जो इनकम मिल रही है वो तेरे दिमाग की कितनी है, तुम्हारे ब्रेन की कितनी है, तुम जो लैंड यूज कर रहे हो उसकी कितनी है, तुमको थोड़ी समझेगा। मैं तो ऑफिस में एवरी मंथ 15,000 रेंट भर ही रहा हूँ, लेकिन
मुझे मान लीजिए महीने का 10 लाख रुपए मिल रहा है, मुझे कैसे समझेगा 10 लाख में से इसका कितना है और मेरा कितना है? नहीं समझ सकता, पॉसिबल ही नहीं है सर। तो इसीलिए जब इनकम्स को सेग्रीगेट करना पॉसिबल नहीं होता, उसे कहा जाता है मिक्स्ड इनकम। तो अगर अपने पास सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है तो आप मिक्स इनकम ले लीजिए। मिक्स इनकम को भी ऐड करने से, मिक्स इनकम भी फैक्टर कॉस्ट ही है सर। तो अगर आपको जीडीपी और फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला पूछा जाए तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस यानी रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस डेप्रिसिएशन, इससे जीडीपी और फैक्टर कॉस्ट आपका बनेगा। मैंने यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया है मिक्स इनकम क्या होता है। आगे चलेंगे सर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अभी मैंने आपको जीडीपी एट एफसी बताया, जी से एन पे जाना है सर। तो क्या करोगे चुपचाप, क्या करोगे सिर्फ बताओ, फटाफट बताओ, जी से एन पे जाना है आप क्या करोगे? हाँ, डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे सर। और क्या है, सिर्फ डेप्रिसिएशन को लेस कर देना है जीडीपी से। अगर मैं ऑलरेडी एनडीपी से शुरू करता हूँ तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस हो चुका है सर। एनडीपी एट मार्केट प्राइस में एन है ना, तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस है, तो इसलिए यहां से सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दूंगा तो बन जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो वही मैंने वापस किया, देखो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। यहाँ पे डेप्री नहीं लिखा, क्यों? अरे डेप्री लिखेगा तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा बच्चे, डेप्री हटा दोगे तो बनेगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। आई होप ये 101% पूरा 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 क्लियर है जो मैं जो कर रहा हूँ। ये समरी आपको बहुत हेल्प करने वाली है वन डे बिफोर द एग्जाम। नेक्स्ट आ जाएगा सर, जैसे मैंने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बताया, जैसे मैंने एन एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बताया, अब मैं तुमको बोल रहा हूँ एन एनपी एट फैक्टर। तो ये बीच वाला लेटर चेंज करने की सोच रहा हूँ। तो बस क्या करना है सर, नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देना है। तो मैं कहूंगा फैक्टर इनकम अर्न इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री, यानी वो नहीं कि ऊपर लिखा हमने, ये वाला आ जाएगा और इसमें ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बन जाएगा सर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमेशा याद रखना पेपर में आएगा नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है। देखो मैंने आईएमपी मार्क करा है, नेशनल इनकम कैसे गिनी जाती है, एट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का ही मतलब नेशनल इनकम होता है सर इंडिया में, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा एनएनपी इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू फैक्टर इनकम अर्न इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये कर दोगे ना सर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बनेगा। अगर एनएफआई पॉजिटिव है तो बाय डिफॉल्ट नेशनल इनकम विल बी ग्रेटर देन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। भारत में जो लोग पैसा कमा रहे और भारत के बाहर जो कमा रहे दोनों को ऐड कर दोगे, तो देखो एनएफआई अगर पॉजिटिव मिलेगा तो इस केस में डोमेस्टिक फैक्टर से नेशनल इनकम ज्यादा आएगी। कुछ अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब एक देश में 1,000 लोग रहते हैं और उस देश का जो जीडीपी है ना, जिसमें से इन्फ्लेशन हटा दोगे तो उसको अगर 1,000 से डिवाइड कर दोगे तो एक आदमी का आपको जीडीपी मिलेगा, एक आदमी का इनकम मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम। मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन, जीडीपी एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताता है लोगों की, क्या बताता है सर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इस देश में लोग कितना खर्चा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सब बताने का काम करता है सर ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या फिर मैं बोल सकता हूँ जीडीपी डिवाइडेड बाय 1,000 और पर कैपिटा इनकम। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम मतलब ये एक्चुअली आप ये जीडीपी तो डिवाइड अप कर रहे हो डिवाइड बाय 1,000। मुझे बताओ अंबानी तो 2,000 करोड़ के प्रोडक्ट बनाता है, डिवाइड बाय 1,000 करोड़ के पॉपुलेशन, तो क्या हर एक को इतना पैसा मिलता है क्या? नहीं रहे, ये तो हाइपोथेटिकल हो गया। एक्चुअली ये होता है पर्सनल इनकम, यानी द इनकम दैट यू एक्चुअली रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, आपके फादर ने जो पैसा, इंक्लूडिंग नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है उनको भी कुछ पैसा मिलता है, तो वो भी, और जो आपके फादर मदर उनको भी जो पैसा मिलता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज पर्सनल इनकम। ये होता है एक्चुअल करंट इनकम, जो आपके हाथ में मिलता है, आपको मिला हुआ पैसा है सर फ्रॉम ऑल सोर्सेज। आपके पापा ने फ्लैट रेंट पे चढ़ाया, रेंट का पैसा मिला, आपके पापा जॉब करते सैलरी मिली, आपके बिजनेस करते प्रॉफिट मिला, तो ऑल दिस इज एड करके बन जाएगा सर पर्सनल इनकम। और जरूरी नहीं है ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से ही हो सर, मतलब क्या, पापा ने एफडी कर दिया, एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, इट इज नॉट अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो इट मे और मे नॉट बी अर्न फ्रॉम प्रोडक्टिव एक्टिविटी। सैलरी कमा रहे, काम करके कमा रहे तो इट्स अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, लेकिन एफडी करके रखी, इंटरेस्ट कमा रहे तो इट इज नॉट अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ सर। तो अगर मुझे बताना है कि पर्सनल इनकम में कौन सी चीजें आएगी, तो वॉट इट इंक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट्स। ये क्या है सर ट्रांसफर पेमेंट, इसके बारे में बताता हूँ 2 मिनट।
सेकंड होता है आपने सरकार के पास, कंपनियों के पास डिपॉजिट रखे, एफडीज रखे, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा ये इसमें ऐड हो जाएगा। क्या क्या इसमें नहीं आता है सर, व्हाट इट इज नॉट इंक्लूडेड, इसको हम डिस्कस करेंगे 2 मिनट। क्या क्या एक्सक्लूड होता है सर, सबसे पहले अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। टाटा ने इस बार 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया लेकिन डिविडेंड के तौर पे नहीं बांटा, अपने जेब में ही रखा, बोला बिजनेस में यूज करेंगे, तो ये यहाँ पे ऐड नहीं होगा। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स टू सोशल सिक्योरिटी, इसको भी मैं डील करता हूँ, इसी के साथ मैं बताने वाला हूँ। रिटेन अर्निंग्स, अगेन वही, जो पैसा मैं बांटता नहीं हूँ, जनरल रिजर्व के नाम पे रखता हूँ, उसको मैं यहाँ पे नहीं लूंगा। इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस, जीएसटी वगैरह जो रहेगा वो इसमें ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस, मतलब इनकम टैक्स जो आपकी इनकम पे लगेगा, आप इंटर में देखने वाले हो डिटेल में, वो यहाँ पे ऐड नहीं होगा सर। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेड टू फर्म्स एंड गवर्नमेंट, ये यहाँ से लेस, मतलब मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ ये ऐड नहीं होगा, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ सर माइनस क्या क्या करेंगे हम, तो ये चीजें हम ऐड करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग द पर्सनल इनकम, और ये चीजें लेस करेंगे, तो जो आप जो रिटेन अर्निंग से वो लेस कर देनी है, इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस लेस कर देने, कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस लेस कर देने, जो आप सरकार, आपने सरकार से कर्जा लिया, आपने बैंकों से लोन लिया, तो इंटरेस्ट पेड टू देम विल बी डिडक्टेड फ्रॉम हियर, तो ऐसा आप करोगे ना सर तो आपको मिल जाएगा पर्सनल इनकम। अब बात करते हैं सर ट्रांसफर पेमेंट, क्या होता है सरकार को पता है ये जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज है ना, ये कभी पैसा सेव नहीं करेंगे, तो सरकार ने क्या बोला, जब ये लोग जॉब कर रहे होते हर महीने इनके सैलरी में से 12% पैसा कट करो, ओके 12% पैसा कट करो और सरकार के एक एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड नाम के एक इन्वेस्टमेंट में डाल दो, क्यों, ताकि सरकार ये पैसा जमाए, इसके ऊपर इंटरेस्ट इंटरेस्ट अर्न करे, और जब ये जॉब वाला रिटायर हो जाएगा ना प्राइवेट एम्प्लॉय, तो इसको हर महीने इसी में से पेंशन मिलती, तो इसके रिटायरमेंट की प्लानिंग करिए सर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो देखिए, अगर आपका एम्प्लॉयर यहाँ पे 12% में एम्प्लॉय के पैसों में से काट रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर मैं, मेरा ये एम्प्लॉयर जो टाटा है जो आपको सैलरी पे कर रहा है, वो भी अपने जेब से मान लीजिए 6% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स टू सोशल सिक्योरिटी तो ये आपको लेस करना पड़ेगा। अरे वो आपकी इनकम थोड़ी है, वो आपकी इनकम नहीं है। एंड ट्रांसफर पेमेंट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, तो अगर एम्प्लॉय जो ये 12% आप उसकी सैलरी से कट कर रहे हो, जो वो खुद कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ना सर, ये इधर ऐड होगा, ये उसकी इनकम है, एक ना दिन उसको वापस मिल जाएगी। देन अनएम्प्लॉयमेंट कंपेंसेशन, सरकार ने दिया, बेरोजगारी है, महीने के 2,000 रुपए ट्रांसफर करा रहे। वेलफेयर पेमेंट, अगेन आपको काम धंधा है नहीं, पैसे है नहीं, तो चलो ये हॉस्पिटल का बिल हम भर देते, तो ऐसी कोई चीजें रहेगी ना, तो इसको भी आपको ऐड करना है सर। इंक्लूड्स में ट्रांसफर पेमेंट्स आ जाएंगे जिसमें ये 3 एग्जांपल्स है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट इसमें ऐड होगा, और ये सारी चीजें इससे लेस होने वाली है। तो पर्सनल इनकम यानी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, नेशनल इनकम, इसमें आप ऐड कर दीजिए वो इनकम जो रिसीव्ड है लेकिन अर्न नहीं करी। मतलब क्या सर, सरकार ने बोला तू एक जॉब नहीं ले, महीने का 2,000 रुपए देखो देता हूँ फिलहाल, तो तूने अर्न नहीं करा लेकिन देखो मिला ट्रांसफर पेमेंट, और इसमें से लेस कर देना इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। मतलब क्या, ये तूने कमाई है लेकिन देखो अभी तक मिला नहीं है सर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऊपर अभी ये चीज बताई, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज टू सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ज्यादा डेप्थ में जाओगे तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर लोगे और दिमाग का दही हो जाएगा। इतना याद रखो सर, पर्सनल इनकम निकालने के लिए नेशनल इनकम में जो मिली इनकम है लेकिन कमाई भी नहीं होगी वो ऐड कर दो, जो कमाई है लेकिन मिली नहीं उसको लेस कर दो, या मैं ऐसा कहूं सर नेशनल इनकम में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स लेस कर देने हैं, ठीक है। नेट इंटरेस्ट पेमेंट, नेट को क्यों अंडरलाइन करा सर, नेट इंटरेस्ट पेमेंट यानी सरकार से जो इंटरेस्ट आया, फर्म से जो इंटरेस्ट आया, और सरकार जो इंटरेस्ट जो पे किया, फर्म को जो पे किया, इसको अगर आप प्लस माइनस एक साथ कर दोगे तो नेट बनेगा। तो नेट इंटरेस्ट पेमेंट बाय हाउस होल्ड यहाँ पे लेस कर देना है सर, ऐसा मान के चलते ये लोग कि आप हमेशा नेट में ज्यादा पेमेंट ही करोगे, आप ज्यादा कर्जा लोगे। कॉर्पोरेट टैक्स हटा दीजिए और ट्रांसफर पेमेंट्स ऐड कर दीजिए सर, आपका बन जाएगा पर्सनल इनकम। देखो नेशनल इनकम का मतलब ये नहीं है कि आपके पापा को ये जो पर्सनल इनकम है 100 रुपए हुई तो सबकी ऐड कर दोगे, 100, 100, 200, 1000 जो भी है तो नेशनल इनकम बनेगा, नहीं। नेशनल इनकम अलग चीज है सर, वो तो जीडीपी था, वो तो था एनएनपीएड फैक्टर कॉस्ट, पर्सनल इनकम तो एक्चुअली आपके पापा को पैसे मिल रहे हैं, और नेशनल इनकम डज नॉट अक्रूज टू इंडिविजुअल, आपको थोड़ी मिलता है ये नेशनल इनकम, आपको तो पर्सनल इनकम मिलता है, आप पर्सनल इनकम कमाते हो। अब क्या होता है यार, सरकार ने जैसे बोला अच्छा तू 1,000 रुपए सैलरी दे रहा है, काम कर, इसमें से ना टीडीएस डिडक्ट कर ले। सर ये टीडीएस क्या होता है, बेसिकली सरकार बोलती है इनकम टैक्स आज ही निकाल के ले ले 10 रुपए,
तो मुझे बताओ आपके पापा के हाथ में सिर्फ 990 रुपीज आ गए। अब उनके मर्जी के हिसाब से वो 990 रुपीज को यूज करेंगे ना सर, तो इसको कहा जाता है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ये हो जाती है पर्सनल इनकम। मैंडेटरी डिडक्शन हटाने से बाद जो बचती है वो होती है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। एक बार देख लेते सर यहाँ पे क्या लिखा है। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर देयर कंजम्पशन और सेविंग्स। आपके पापा के सेविंग्स के लिए, पापा के कंजम्पशन के लिए जो पैसा आपके उनके पास बचता है उसको डिस्पोजेबल पर्सनल। तो देखो पर्सनल इनकम में से पर्सनल इनकम टैक्स हटा दीजिए और नॉन टैक्स पेमेंट, नॉन टैक्स पेमेंट सरकार बोलती है इसी पीएफ में पैसा डालो सर, मैंडेटरी कट करो उनका, वो सेव नहीं करेंगे। तो दीज आर नॉन टैक्स पेमेंट, टैक्स के लिए नहीं भरा है लेकिन कंपलसरी बोला है यार सरकार ने करने के लिए, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह भी लेस होगा। तो आपके पापा के हाथ में जो बचता है ना उसको हम कहेंगे DI यानी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। अब आ जाता है सर न्यू कॉन्सेप्ट, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ये दोनों कॉन्सेप्ट है ना मुझे लगता है पेपर में सिर्फ फॉर्मूला बेसिस पे आएगी। ये 2015 या 2014 में आई गेस नहीं इंट्रोड्यूस हुई थी नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इसका कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपने मॉड्यूल में है नहीं और मुझे लगता है क्योंकि वो दिया नहीं है इसका मतलब इसको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसको सिर्फ फॉर्मूला के थ्रू समझ लीजिए। नेट नेशनल इनकम में अगर आप नेट टैक्सेस ऑन इनकम एंड वेल्थ रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड, मतलब क्या सर, आपका मान लीजिए इंडियन है US में काम कर रहा है तो यहां से, या फिर उल्टा पकड़ता हूं चलो ये इंडिया है मान लीजिए मेरा, ठीक है ये US का देश है, तो इंडियन तो गवर्नमेंट जो US के लोगों पे कुछ टैक्स लगा रही है जो टैक्स पेमेंट इंडिया को मिलते हैं। सर हम क्यों टैक्स लगाएंगे बताता हूँ, एक बार बताता हूँ। और इंडियंस कुछ US में टैक्स पे करेंगे, सर ये क्यों कर रहे हैं पेमेंट? अरे बच्चे तू इंडियन रेसिडेंट है तो US में जाके कुछ दिनों के लिए कुछ पैसे कमाए तो उसके ऊपर जो टैक्स आएगा ना वो US वाला नहीं ले सकता, वो लेना होगा इंडियंस को। सेम टू सेम अगर कुछ US इंडिया में आए, कुछ थोड़ा ही टाइम के लिए काम किए, इधर रेसिडेंट नहीं सिटीजन नहीं कुछ नहीं, और कुछ पैसे कमाए जैसे अभी अंबानी के केस में इधर आके परफॉर्म किया नहीं वो लोगों ने तो इतना पैसा उनको मिला, तो उसके ऊपर इंडिया टैक्स नहीं लेगा सर, US टैक्स लेगा। तो जब मैं इसको नेट कर दूंगा ना, इंडिया को पैसे मिले अच्छी चीज है, इंडिया से टैक्सेस गए बुरी चीज है, नेट कर दूंगा तो जो बचेगा उसको हम कहेंगे सर नेट टैक्सेस ऑन इनकम एंड वेल्थ रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड। विदेश से जो टैक्सेस मिलने हैं आपको वो ऐड कर दीजिए और नेट सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट्स रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से जो अपने पीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है उसको ऐड कर दीजिए, बनेगा नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अगेन बताना चाहता हूँ दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट सिर्फ फॉर्मूला के थ्रू आईसीए ने एकदम एंड में डिस्कस करे है तो इसका ज्यादा रिलेवेंस नहीं बनेगा, MCQ में जरूर दिख जाएगा आपको ये। तो बस आपको याद करना है नेट टैक्सेस ऐड कर देने, नेट सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन भी ऐड कर देने, सेम फॉर्मूला ये भी बनेगा सर। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, इसमें क्या है सर, जैसे यहाँ पे था नेट तो यहाँ पे ग्रॉस है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा अगर आप नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम लोगे तो इसके अंदर डेप्रिसिएशन माइनस होके गया है इसलिए तो नेट है ना सर, डेप्रिसिएशन यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल CFC डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो बन जाएगा GNDI, या फिर ग्रॉस नेशनल इनकम में अदर नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐड कर दोगे तो N का हो जाएगा सर, ग्रॉस नेशनल इनकम जो रहेगा वो बन जाएगा आपका सर ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट वी विल गो टू समथिंग कॉल्ड एज डोमेस्टिक इनकम। सर डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम मतलब पहले तो पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब कौन से लोग रहे, पब्लिक सेक्टर मतलब ऐसे लोग जो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। तो प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, तो जो सरकार के नहीं है ऐसे लोगों की सेविंग्स, और जो सरकारी है उनको जो प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप का पैसा मिल रहा है उसको अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका बनेगा सर डोमेस्टिक इनकम। उसी में आपको और एक चीज ऐड कर देनी सर, प्राइवेट सेक्टर टाटा रिलायंस अंबानी अदानी जो भी है इन लोगों को जो पैसा मिलता है इसको भी ऐड कर दोगे तो बन जाएगा डोमेस्टिक इनकम। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा सर पब्लिक सेक्टर सरकार को प्रॉपर्टी के रेंट से लेके एंटरप्रेन्योरशिप के काम तक जो भी पैसा मिलता है और जो सेविंग्स वो लोग करते हैं इसमें अगर आप प्राइवेट सेक्टर को अक्रू होने वाली चीजें ऐड कर दोगे तो बन जाएगा सर आपका डोमेस्टिक इनकम। इसको डिटेल में एक बार देखेंगे हम, फिलहाल के लिए समझ लीजिए प्राइवेट सेक्टर को कैसे अक्रू होगा कोई चीज। तो देखो ये कैसे निकालोगे आप, NDP एट फैक्टर कॉस्ट में से P यानी प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योर सरकारी इनकम, S यानी सरकारी सेविंग्स, दोनों को हटा दोगे जो बचेगा ना सर प्राइवेट सेक्टर का अर्निंग होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझे आप,
एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से सरकारी इनकम सरकारी सेविंग्स हटा दो, बन जाएगा इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अगर यहां तक क्लियर है तो लेट्स मूव, बहुत थोड़ा सा बचा है, प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन, थोड़ा सा ही बचा है अभी। ओके, नेक्स्ट समथिंग इज कॉल्ड एज प्राइवेट इनकम। सर प्राइवेट इनकम क्या होता है, इसके एग्जाम्पल ये जो अपना फॉर्मूला इसके थ्रू देखते हैं। प्राइवेट इनकम मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर का जो इनकम है वो इसमें ले लीजिए, उसमें ऐड करिए फॉरेन इनकम, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम, ऐड करिए नेशनल डेट इंटरेस्ट। ये क्या है सर, देखते हैं, एक मिनट देखते हैं। सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने दूसरों को लोन दिया है, उसके ऊपर सरकार को मिलता है इंटरेस्ट, दिस इज कॉल्ड एज नेशनल डेट इंटरेस्ट। करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, ये भी हम देखेंगे क्या होता है, एंड अदर नेट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सबको ऐड कर दोगे प्राइवेट इनकम बनेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सर, इनकम फैक्टर इनकम प्लस ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर मतलब क्या, फैक्टर इनकम यानी जो आप एक्टिवली काम करके कमाते हो सर, और ट्रांसफर इनकम यानी वो इनकम जब एक्टिवली काम करके नहीं कमाते हो, ये सोशल सिक्योरिटी ईपीएफ वगैरह का कंट्रीब्यूशन होता है। आपके आपका बेटा विदेश में काम कर रहा है और यहाँ पे आपको पैसे भेजता है फॉर खर्चे के लिए, तो दैट इज अगेन अ ट्रांसफर इनकम। तो जब आप इसको देश के अंदर और देश के बाहर की ये सारी इनकम को ऐड कर दोगे तो बन जाएगी सर प्राइवेट इनकम। पर्सनल इनकम, पर कैपिटल इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, बात करो प्राइवेट इनकम, यानी सरकारी लोगों को हटा दो यहाँ से, सरकारी लोगों को हटा दो तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में कितना पैसा मिला है उसको हम देखेंगे। चलो इसको एक बार इलस्ट्रेशंस के थ्रू, या फिर चलो इसको पहले एक समझ लेते हैं कहाँ पे गया, इलस्ट्रेशंस के थ्रू देखते हैं। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट एनएनपी एट मार्केट प्रेजेंट डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। अरे यार पर्सनल इनकम है ये, मुझे क्वेश्चन चाहिए ऑन दिस प्राइवेट इनकम, नहीं ये शायद प्राइवेट इनकम का यहाँ पे। एनीवे चलो मैं आपको बता देता हूँ वापस, फैक्टर इनकम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे एक तो भी। नेट फैक्टर इनकम तो विदेश से, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर विदेशी इनकम को लीजिए, उसमें इंडियन डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम कितनी उसको ऐड कर दीजिए, सरकार ने किसी को कर्जे दिए उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला वो ऐड कर दीजिए। करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकारें कुछ पैसा बाहर कंट्रीब्यूट कर रही है एनईपीएफ वगैरह, बाहर के लोग इंडिया में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो नेट में जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एज करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट। इसमें आपको ऐड कर देना है सर अदर नेट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अदर नेट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो सरकार ने किया वो यहाँ पे आ गया, जो हम लोगों ने किया वो यहाँ पे आ गया, सबको ऐड कर दोगे तो बन जाएगा सर प्राइवेट इनकम। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा और भी क्लैरिटी इसमें कुछ होगी। चलो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। कैलकुलेट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी मार्केट प्राइस, जीएनपी मार्केट प्राइस, जीडीपी मार्केट प्राइस। क्या दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, मिक्स इनकम दिया है, रेंट दिया है, प्रॉफिट दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, नेट फैक्टर इनकम, कंपेंसेशन। सबसे पहले लिखते हैं सर जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना रहेगा, तो आप क्या करोगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस में, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपको देखना है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो कितना एम्प्लॉइज को कंपेंसेशन मिला, हजार, हजार रुपए। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है सर, 2000 है, इसमें 2000 ऐड कर दूंगा। इसमें मुझे बताओ मिक्स्ड इनकम लॉयर वगैरह लोगों कितना है, 1100 रुपए है सर। इसमें मैं ऐड करूंगा सर देखो इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, रेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये तो ऑपरेटिंग सरप्लस में आ गया, समझ रहे हो, ये तो ऑपरेटिंग सरप्लस में ही आ गया अभी, तो फिर ये आ गया, ये आ गया। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इसको ऐड कर देंगे, कितना है सर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, 450, क्योंकि मैं जीडीपी बना रहा हूँ ना एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस तक पहुंचने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना पड़ता है। ऑपरेटिंग सरप्लस ले लिया सर मैंने, फिर मैंने ले लिया मिक्स्ड इनकम, फिर रेंट तो आने नहीं वाला, प्रॉफिट नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ले लिया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ा था कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ा था, मुझे याद है मैंने पढ़ा था कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जो था, एक बार आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, चलो जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला फटाफट आ जाएंगे। कहाँ पे गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ओ यहाँ पे दिख नहीं रहा, चलो तो जीडीपी का नहीं मिल रहा, चलो जीएनपी एट फैक्टर प्राइस का देख लेंगे, होगा मेरे पास, चलो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, देखो दिख गया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या करेंगे सर, हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को ये करेंगे, या फिर मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कंपेंसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम और डेप्रिसिएशन सबको ऐड करो तो बन जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो चलो मैं यहाँ पे आ गया, मेरे क्वेश्चन में आ गया सर, मेरा क्वेश्चन देखो क्या, मेरे क्वेश्चन में आ गया, मैं
मेरे क्वेश्चन में मैं जब आ जाता हूँ, मुझे पता है सर जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकालूंगा सर मैं, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज, फिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, ऑपरेटिंग सरप्लस में इसमें ऐड करूंगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी मैंने देखा ऐड कर दूंगा, और मैं डेप्रिसिएशन भी इसमें ऐड करूंगा, क्योंकि ये जीडीपी है सर, ये एन नहीं है कि डेप्रिसिएशन को हटाना है, दिस इज जीडीपी। तो 450 में मेरा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो कितना आएगा, 1000, 3000, 4100, 4100 एंड 800, 4900, 4950, दिस इज माई जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो मुझे जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिल गया जो ये वाला था। नाउ मुझे जाना है सर जीडीपी एट मार्केट प्राइस से, मैं निकलता हूँ जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी मार्केट प्राइस से जीएनपी मार्केट प्राइस पे जाने के लिए डी डी का बदलाव करना पड़ेगा, डोमेस्टिक से नेशनल। तो नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड है क्या सर, ये नेट फैक्टर इनकम देखो -50, तो ऐड करेंगे सर 4950, ऐड करना था -50 है, तो इट बिकम्स 4900। देखो यहाँ पे भी वही है, तो ये भी मेरा आ गया। अब एनएनपी पे जाना है सर, मेरे पास है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, मुझे इससे जाना है एनएनपी एट मार्केट प्राइस, तो ये भी डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा। तो क्या करना है सर, सिर्फ जीएनपी एट मार्केट प्राइस कितना आया मेरा 4900, 4900 में से डेप्रिसिएशन मेरा कितना है सर 400 है, मैं 400 हटा दूंगा, मुझे मिलेगा 4500, विच इज बेसिकली माई नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लास्ट वाला देखो ठीक से, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये होता है अपना नेशनल इनकम। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना रहेगा ना सर आपको, तो आपको अभी उल्टा जाना पड़ेगा, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा मैं यहाँ पे हूँ, एनएनपी एट मार्केट प्राइस पे हूँ मैं, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। हमने क्या देखा था सर, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या बदलाव है, फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड कर दीजिए, प्रोडक्ट टैक्सेस ऐड कर दीजिए, प्रोडक्शन सब्सिडी लेस कर दीजिए, प्रोडक्ट सब्सिडी लेस कर दीजिए, बन जाएगा सर आपका मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे तो प्रोडक्शन का कुछ दिया नहीं है एज सच, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन का कुछ दिया नहीं है एज सच, मुझे यहाँ पे टैक्सेस के बारे सब्सिडीज के बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ टैक्स के बारे में बताया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 450 का है। तो नेट है, नेट नेट यानी क्या हो गया, टैक्सेस प्लस सब्सिडी दोनों नेट करके मिला 450। तो बस सर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए मेरे को यहाँ से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस करने पड़ेंगे, मुझे मिल जाएगा एन एन पी एट फैक्टर को। तो मेरा 4000 कितना है सर, 4500 एन एन पी एट मार्केट प्राइस, देखो मैंने यहाँ पे निकाला ना अभी 4500 है सर, ओके। इसमें से मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने 450 के लेस कर देता हूँ, तो 450 ही था, यस, तो मेरा आ जाएगा सर 4050। देखो कितना आसान है, कितना आसान है ये, ओके। आगे चलते हैं सर, इस इलस्ट्रेशन से नेशनल इनकम बताइए, पर्सनल इनकम बताइए, इसको डील करते हैं। मैंने पहले इलस्ट्रेशन, ओके ठीक है। तो नेशनल इनकम कैसे निकाला जाता है सर, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो मैं क्या करूंगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस मेरे पास है 1891, इसमें से मुझे सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाने -175, सब्सिडीज मुझे ऐड कर देने +30, कितना आएगा सर ये 1746 करोड़ बन गया सर मेरा नेशनल इनकम। देखो एमसीक्यू आ गया ना आपकी चांदी है, इसमें बहुत आसान है, 3-4 बार सॉल्व करोगे याद हो जाएगा। पर्सनल इनकम कैसे निकालते हैं सर, हम पर्सनल इनकम कैसे निकालते हैं, हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला देखा था पर्सनल इनकम निकालने का। देखो पर्सनल इनकम निकालने के लिए नेशनल इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को लेस कर देना है, नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स को लेस कर देना है, कॉर्पोरेट टैक्स को लेस करना है, ट्रांसफर पेमेंट्स को ऐड कर देना है। बहुत आसान है सर, मेरा नेशनल इनकम, अभी मेरा नेशनल इनकम यहाँ पे आया था, अभी मैंने कैलकुलेट किया था 1746 करोड़। इसमें मैं क्या करूंगा सर, अभी मैं क्या करूंगा, इसमें से मेरा जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट है, मैंने देखा ना ऊपर, वो मुझे लेस कर देना है सर। जैसे यहाँ पे देखो मुझे दिखता है यहाँ पे कहाँ पे कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स लेस कर देना है, ये तो मुझे पता है, मैंने ये वाली चीज लिख ली यहाँ पे। मुझे और क्या लेस करना है सर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अक्रूइंग टू गवर्नमेंट, सरकारी इनकम लेस कर देनी सर 45, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो -40 ये वाला मैंने लिख दिया। ये आपको फॉर्मूला के थ्रू अगर मैं ऊपर जाऊंगा ना तो वापस यहाँ पे फिगर्स मिस हो जाएंगी, इसलिए यही से बता रहा हूँ सर। इसमें से मुझे और क्या लेस करना है सर, सेविंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स कहाँ पे रिटेन, देखो प्राइवेट सेक्टर रिसीविंग कर रहा है, रिटेन अर्निंग कर रहा है, मुझे ये भी माइनस कर देनी है सर। फिर सरकारें कुछ ब्याज भर रही है सर, इंटरेस्ट भरा जा रहा है, मैं इसको भी लेस कर दूंगा यहाँ से। ये अगर नेगेटिव होता तो मैं मानता कि सरकार पे कर रहा है,
बाहर पे किया जाता है। अगर ये इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट है, मतलब मैं मानता हूँ ये पॉजिटिव है, मुझे मिल रहा है, तो आई विल एड इट। तो देखो मैंने नेशनल डेट इंटरेस्ट ऐड कर दिया। सरकार के करंट ट्रांसफर जो होंगे वो ऐड कर देने हैं, करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इसमें ऐड कर देने हैं, और प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर की सेविंग्स मतलब रिटेन अर्निंग्स लेस कर देनी है। देखो 1711, अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है ना, तो एक बार जाके वापस पर्सनल इनकम का फॉर्मूला देख ले, क्योंकि पर्सनल इनकम में मैंने यही चीज बताई थी सर। देखो यहाँ पे चलो आप मान लेते हो फॉर्मूला तुमको याद नहीं, मैंने क्या बताया क्या क्या ऐड होगा। यहाँ पे आपका ट्रांसफर प्रीमियम्स ऐड होने वाले, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट वो जो था नेशनल डेट इंटरेस्ट ऐड हो गया। एक्सक्लूड क्या होगा सर, इनकम नॉट एक्चुअली रिसीव्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स लेस होगा, जो सेविंग्स था, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज ये कहीं पे था नहीं, रिटेन अर्निंग्स ये भी लेस हो गया, इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्सेस, इंटरेस्ट पेड भी लेस हो गया। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है सर, आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। चलते हैं आगे सर, चलते हैं आगे, दिस वन इज फॉर होमवर्क, बहुत आसान है ये वाला सब। नेक्स्ट इज सर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, इंडिया में नेशनल इनकम कैसे गिना जाता है, बहुत 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 आसान है सर, बहुत आसान है।